फ्रेंड्स, हाइपरलिंक का एक्सेल में हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास कई शीट में अलग अलग डेटा होता है और हम उनको समराइज करके एक डैशबोर्ड या समरी में प्रेजेंट करते हैं और उस डेटा को लिंक के थ्रू सेट कर देते हैं। मैंने अभी अपनी एक्सेल शीट में हाइपरलिंक को सेट किया है। इसको कैसे यूज करते हैं मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक डैशबोर्ड आ रहा है जहाँ पे हमने कुछ वीकली रिपोर्ट्स लिखी हैं, समरी रिपोर्ट 1, समरी रिपोर्ट 2, समरी रिपोर्ट 3, समरी रिपोर्ट 4। तो यहाँ पे हमने कुछ लिंक दिया हुआ है और यहाँ पे रिकवरी अमाउंट आ रहा है। जैसा कि हमारे पास वीक 1 एक सीट आ रही है, वीक 2 करके एक सीट आ रही है, वीक 3 और वीक 4 ऐसे 4 सीट्स हैं। हमारा वीक 1 में जो टोटल अमाउंट आ रहा है 43,000 रुपीज़, वो हमने यहाँ पे शो किया हुआ है। अब अगर कोई इसका बाइफरकेशन देखना चाहता है, 43,000 का बाइफरकेशन क्या है, तो वो यहाँ लिंक पर क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिक वीक 1 की सीट ओपन हो जाएगी और वो 43,000 अमाउंट का बाइफरकेशन देख सकता है। सिमिलरली हमने यहाँ पे गो बैक पर भी यहाँ पे हाइपर लिंक को सेट किया है। जब भी आप गो बैक पर क्लिक करेंगे तो आप मैन मेन्यू में वापस आ जाएंगे। यहाँ से आप अगेन वीक 2 पर क्लिक करेंगे तो आप 29,600 का बाइफरकेशन देख सकते हैं और गो बैक से आप मैन मेनू पे वापस आ सकते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं कि हाइपरलिंक को हम एक्सेल में कैसे यूज करते हैं, इसको हम एक्सेल में कैसे अप्लाई करते हैं, तो इसको हम डिटेल में जानेंगे। आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनमोल और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनमोल इजी लर्निंग में। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड, जैसा कि मैंने एक फॉर्मेट रेडी किया हुआ है, फॉर्मेट आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कैसा भी बना सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे वीकली रिपोर्ट लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे उसका अमाउंट का टोटल लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे इसको लिंक देना चाहता हूँ, तो अभी मैं यहाँ पे टाइप कर ले रहा हूँ वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, कुछ इस तरीके से मैंने इसको टाइप कर लिया है। अब हमको समरी रिपोर्ट 1 के अगेंस्ट में यहाँ पर हाइपरलिंक को सेट करना है। आपको अपने माउस से राइट क्लिक प्रेस करना है। जब राइट क्लिक प्रेस करेंगे तो एक लिंक का आपको ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो एक विंडो कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। इसके बाद हम वीक 1 पर क्लिक करेंगे। वीक 1 पर सिलेक्ट करने का लॉजिक यही है कि जब भी हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो वीक 1 की ऑटोमेटिक सीट ओपन हो जाएगी। जब ये सीट ओपन हो जाएगी तो हमारा माउस की पोजीशन क्या रहेगी, तो हम यहाँ पे C5 टाइप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी आप जिस सेल पे अपने माउस के कर्सर को ले जाना चाहते हैं आप वो यहाँ पे टाइप करेंगे। हमने इसको वीक 1 यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है और इसके बाद यहाँ से ओके प्रेस करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि एक ऐसा लिंक यहाँ पे ऐसा शो कर रहा है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे वीक 1 पे तो वीक 1 की जो सीट है वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाती है, यानी कि जब भी हम लिंक पर क्लिक करेंगे तो हम रिडायरेक्ट हो जाएंगे वीक 1 सीट पर। इसी तरीके से गो बैक का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे भी हम हाइपरलिंक को सेट करेंगे तो हम माउस से राइट क्लिक प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिंक का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमको डैशबोर्ड पे वापस जाना है A1 सेल में। तो हमने यहाँ पे डैशबोर्ड सेलेक्ट किया है और सेल की पोजीशन A1 रहने देते हैं। इसके बाद ओके प्रेस करेंगे। ओके प्रेस करने के बाद जब भी हम गो बैक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हम मेन मेन्यू में वापस आ जाएंगे और हमारे माउस की पोजीशन है वो A1 सेल रहेगी यहाँ पे। इसी तरीके से जो बाकी हमारी रिपोर्ट्स हैं उनके अगेंस्ट में हम लिंक को सेट कर लेते हैं। तो हमने बाकियों में भी हाइपर लिंक को सेट कर लिया है। जब भी हम वीक 2 पे क्लिक करेंगे तो हम वीक 2 सीट में रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ से गो बैक करेंगे तो मेन मेन्यू में वापस आ जाएंगे। वीक 3 पे क्लिक करेंगे, वीक 3 की सीट डायरेक्ट ओपन हो जाएगी। गो बैक पे क्लिक करेंगे तो हम वापस आ जाएंगे। वीक 4 पर हम क्लिक करेंगे तो वीक 4 की सीट ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी और गो बैक से हम डायरेक्ट मेन मेन्यू में वापस आ जाएंगे। तो फ्रेंड, इस तरीके से आप अपने एक्सेल शीट में किसी भी डेटा में हाइपरलिंक को सेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।